शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खामीडोल में एक निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास को दबंगई पूर्वक ढा देने की शिकायत जैतपुर थाने में की गई है, जिसका आरोप पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस नेता नागेंद्र नाथ सिंह और उसके साथियों के ऊपर लगाया गया है। जिले के जैतपुर थाने अंतर्गत खामेडोल ग्राम के रहने वाले बालमुकुंद शर्मा ने थाने में शिकायत करते हुए आरोप लगाया है। ग्राम खामेडोल में शासन द्वारा आवंटन के माध्यम से खसरा नंबर 760/2 ख भूमि आवंटित हुई थी, जहां वह अपने पीएम आवास का निर्माण कार्य करा रहा था। उक्त निर्माण कार्य छत लेवल तक पहुंच गया था। इस बीच कल दिवस पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस नेता नागेंद्र नाथ सिंह अपने दर्जन भर लोगों के साथ वहां पहुंचे और उक्त जमीन को अपनी बताते हुए मेरे निर्माणाधीन पीएम आवास को दबंगे पूर्वक मेरी नजरों के सामने तुड़वा दिया। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि जाओ थाने में इसकी शिकायत करा दो। पीड़ित ने थाने में इसकी लिखित शिकायत करते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद मैंने स्थल का मुआयना किया है। उक्त जमीन की वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के लिए तहसीलदार से संपर्क किया गया है। राजस्व महकमे से स्थिति स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक नागेंद्र नाथ थाना में रिपोर्ट की है कि मेरी जमीन की जांच हो चुकी है, 3 बार सीमांकन हो चुका है और उसके पक्ष में निर्णय भी कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया है। इसके बाद भी अनावेदक बाल मुकुंद मिश्रा द्वारा जबरन उसका मकान और जमीन में कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध की शिकायत उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसकी जाँच के लिए मैं तहसीलदार साहब को लिखा है। मकान गिराने की बात आवेदन पत्र में नहीं लिखा था, वो बाद में जानकारी मिली जब अनावेदक आया और बताया कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना रहा था मकान उस जमीन पर। तो इसको आके नागेंद्र नाथ वगैरह तोड़ फोड़ कर दिए। कार्रवाई मैं राजस्व विभाग को लिखा हूँ, तहसीलदार साहब को मौके से जाँच करें कि उस जमीन किसका किसका है, वो भूमि स्वामी कौन है। अगर वो अवैध निर्माण कर रहा है तो गलत है। और जहाँ तक प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए उसको चिन्हित किया गया था, तो उसकी भी जांच कराई जाएगी कि उसको जमीन नहीं है, इसके बाद भी चिन्हित किया गया तो राजस्व का मैटर है, इसकी जांच करा कर जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।